शहडोल शहर में जीवनदायिनी गौवंश की इस दुर्दशा पर संवेदना तो सबकी चित्कारी थी, लेकिन सतगुरु परिवार की नई पीढ़ी की संवेदना ने जब संज्ञानशीलता का स्वरूप धारण किया तो कृतज्ञता से भरे किशोरों की टोली निकल पड़ी कुछ कर गुजरने। ये नौजवान घूम घूम कर चारा सानी बांटने लगे, हादसों से बचाने के लिए रेडियम बेल्ट लगाने लगे, मौके पर ही इलाज का इंतजाम होने लगा, गौवंश को सड़क से दूर बैठाने लगे। कोमल मन और निस्वार्थ भाव भरे किशोरों का जत्था जुटा तो सतगुरु परिवार के सदस्यों को प्रेरणा हुई, धन और संसाधन जुटने लगे। सेवा के संकल्प के साथ नींव रखी गई धेनु सेवा संस्थान की। सड़क पर भटकते गौवंश को देखकर सतगुरु मिशन से जुड़े हुए युवाओं को बहुत ही दुख होता था और वो हमेशा सोचते थे इनके लिए क्या किया जा सकता है या हम क्या कर सकते हैं। इस विचार ने ही जन्म लिया इस सेवा कार्य का। और इस दौरान जब लॉकडाउन लगा और गायों की भोजन की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब तक शहर खुले हुए थे उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता था, तब इन युवाओं ने बिना संसाधन के ही पहल करके और इनके लिए भोजन मुहैया कराने का काम की शुरुआत की। यही काम आगे बढ़ते बढ़ते आज धेनु सेवा संस्थान द्वारा इनके इलाज तक आ पहुंचा है। इलाज के साथ जो कुछ भी गौवंश के लिए किया जा सकता है वो युवा अपने सामर्थ्य से करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी संसाधन बहुत कम है, उसके बावजूद भी इनकी हिम्मत और इनकी मेहनत के आगे वो फीका है। अब आप भी ग्लानि से बच सकते हैं, अपनी संवेदना को जिम्मेदारी में बदल सकते हैं। धेनु सेवा संस्थान के हेल्पलाइन नंबर 9131300236 पर पीड़ित गौवंश की सूचना देकर, जिससे वृद्ध और अशक्त गौवंश को सहारा मिलेगा, हादसों के बाद तुरंत राहत पहुंचेगी, बीमार गौवंश का उपचार हो सकेगा, गौवंश को आवारा पशु के अभिशाप से बचाया जा सकेगा। प्रकृति की व्यवस्था के तहत गौवंश अपने आचरण से पर्यावरण के संतुलन में युगों युगों से जुटा है। कृतज्ञता के भाव से भरे हमारे पूर्वजों ने गौवंश को गौधन और कामधेनु की संज्ञा यूं ही नहीं दी है। उसी वैज्ञानिक परंपरा के तहत शहडोल के धेनु सेवा संस्थान का भी मानना है, जब तक गौवंश स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा, ये प्रकृति, ये पर्यावरण, इसके संस्कार, इसकी शिक्षा, सद्भावना से भरी इनकी शैली और ज्ञान को प्रमाणित करती मानवता भी जीवित रहेगी।